इस वक्त हम हैं मुंबई के एक रूम में और यहाँ पर हम आए हैं देने के लिए इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जब हम देने आते हैं मुंबई में तो काफ़ी जो है यहाँ पर मेहनत मुशक्कत स्ट्रगल होता है लाइफ का, और किस तरह का रूम होता है दिखाते हैं आपको हम। और साथ ही में हमारे साथ में है जसीम भाई जो कि हमारे रूम पार्टनर हैं, उनसे ही मिलवाते हैं आपको हम। जसीम भाई कैसे हैं? ठीक है। जसीम भाई जम्मू की तरफ से हैं और सीनियर हैं हमारे, तो रूम में जो है ये रहते हैं, सबके सीनियर हैं और हम सब जो है यहाँ पर रूम में रह रहे हैं। तो इंटरव्यू इनका हो चुका है और कहीं के लिए सेक्शन भी हो चुका है दुबई वगैरह के लिए, तो बेचारे आजकल में इनका जो मेडिकल होगा तो उसके बाद ही ना घर चले जाए। तो अल्लाह ताला इनको जो है कामयाबी दे और अच्छी कंपनी वगैरह मिल जाए इनको। और कैसा रहा इंटरव्यू वगैरह जसीम भाई? सही रहा ना? चलिए अच्छी बात है। और वो बॉम्बे में कैसा रहता है ना? मुंबई में तो सब आदमी जानबे करता है, चढ़ाई में सोना पड़ता है भाई हम लोग को। और रूम देख ही सकते हैं कैसा रूम है और बड़ा तकलीफ होता है, और लेकिन क्या करें, यहाँ पर आने का मकसद यही होता है कि ज़रा अच्छी कंपनी मिल जाए, इंटरव्यू अच्छे से हो जाए और इसके बाद फिर वहाँ तो दिक्कत नहीं होता है ना। चलिए ठीक ही है, दिखाते हैं रूम यहाँ का कैसा रूम अगर रहता है। देखिए पूरा एल्बेस्टर वाला रूम है, ये कपड़े वगैरह सबका लगा हुआ है, पूरा देखिए एल्बेस्टर। और ये वॉशरूम है जहाँ पे बाथरूम लोग करते हैं, पानी स्टोर किया गया है, पानी पीने का ही वाला है। और ये जो है किचन है जहाँ पर खाना ना बनता है, दो खिड़कियाँ छोटी छोटी है इस तरह से जो है। ये नीचे उतरने के लिए है सीढ़ी है छोटी सी, इससे नीचे उतरने आता रहता है। और इसके बाद गली है, ये बाथरूम वगैरह सब कुछ जहाँ पर पेशाब वगैरह कर सकते हैं, नहा सकते हैं, पानी वगैरह स्टोर किया जाता ताकि जो नहाने धोने का या कुछ और ज़रूरत की चीज़ों को करने के लिए कोई परेशानी ना हो। बाकी देखिए एल्बेस्टर है, कपड़े वगैरह जो है सूख रहे हैं सबका। और देखिए यहाँ पे इस तरह चटाई में जो है रहना पड़ता है, चटाई किस तरह से लगेगा, इस तरह चटाई में रहना पड़ता है। सर कल हम आए थे यहाँ पे और एक दिन हुआ है, तो आज सी वगैरह जो है सेटअप कल शाम में किया था, कुछ बाकी है तो वो भी जो है अभी करेंगे सेटअप वगैरह सीवी का। और उसके बाद जब इंटरव्यू का डेट आएगा, कहीं पे इंटरव्यू रहेगी तो जाएंगे, इंटरव्यू में क्या सवाल वगैरह पूछे आएंगे बताएंगे अभी। तो दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो भी काम के लिए आए हैं वो काम हो जाए, और मकसद यही है यहाँ पर अच्छे से इंटरव्यू हो जाए, अच्छी कंपनी मिल जाए, सैलरी मिल जाए, बस यही है। बाकी सऊदी के लिए जो कहीं पर लगाया था उसमें भी सिलेक्शन हो गई है, पर सैलरी बहुत कम दे रही, इस वजह से अभी उसको हम हाँ नहीं किया है। तो देखते हैं अगर सैलरी बढ़ा देती है, वो उसे रिक्वेस्ट किया सैलरी बढ़ाने का, अगर बढ़ा देती है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ाती तो बॉम्बे तो आ ही गए हैं, तो यहाँ पर जो है जो इंटरव्यू जो है वो अच्छी कंपनी हम ढूंढ रहे हैं वो मिल जाती है तो फिर उसमें जाएंगे। तो रूम दिखाई दिया आपको, कैसा लगा आपको रूम बताइएगा, और आप लोगों का अपने बारे में भी कुछ अगर हो जो मुंबई में हो ज़रूर हमें भी वो भी कमेंट करके बताइए कि क्या है आप लोगों का रूम, कैसा है, क्या वहाँ पे होता है, कैसा इंटरव्यू दे रहे हैं आप लोग, जो भी आपका कमेंट हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा होगा आपके लाइफ में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।